ओम जय साईं राम। मैं रानी थापर W3 से आप सबको सादर प्रणाम करती हूँ। बाबा के चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा साईं राम। मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ कि पुटा पड़ती सारी जिंदगी निकल गई, बाबा के पास सेवा का बहुत मौका मिला। बाबा ने जब भी पुकारा हम चले गए वहां पे, और बाबा के दरबार में जाकर हमने क्या देखा, क्या स्वर्ग पाया। स्वर्ग जन्नत कोई ऐसी चीज नहीं जो पुटा पड़ती के अंदर नहीं है, कोई इस प्रकार का खाना नहीं जो वहां पर नहीं मिलता। हर तरह का टेस्ट का हर किसी का बाबा ने ध्यान रखा, चाहे साउथ इंडियन कैंटीन हो, पंजाबी कैंटीन हो, फॉरेन कैंटीन हो, या शॉपिंग सेंटर हो या बेकरी हो, हर तरह का भोजन का इंतजाम वहां पे है हमारे लिए। सेवा करने के लिए हजारों लाखों करोड़ों बंदे हैं वहां पे, लेकिन सब कोई नहीं जा सकते वहां पे। जाता वही है जिसको स्वामी बुलाते हैं। स्वामी ने कई बार अपने डिस्कोर्स में ये कहा कि आप क्या समझते हो, ये सेवा आप कर रहे हो? नहीं, ये सेवा मैं कर रहा हूं। नाम तुम्हारा है कि हाँ तुम सेवा करने के लिए आए हो? सेवा तो हम सब करते हैं, चाहे घर में सेवा करें या बाहर में सेवा करें। तो क्यों ना हम बाबा के दरबार में सेवा करें, जहाँ पे पुण्य भी और फलियां भी दोनों काम बाबा के दरबार में मिलते हैं हमें, और जितनी खुशी वहां मिलती है वो कहीं नहीं मिल सकती। और वहां पे जब हम गए, उसका मैं एक छोटा सा, हजारों है मेरे पास एक्सपीरियंसेस, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब पहली बार मैं गई, उस टाइम में मुझे कुछ समझ नहीं थी, लेकिन गई और वहां जाते ही देखा कि पंजाबी कैंटीन के बाहर पार्क के अंदर सब हलवाई लगे हुए हैं, सब सेवा दल लगा हुआ है, सब कार्य जो है वहां पे हो रहा है। तो वहां पे जाके मैं भी खड़ी हो गई, और मुझे वहां पे कार्य क्या मिला कि उनके हेड ने मुझे कहा कि आप यहाँ पे काम करो। बड़ी बड़ी तवियां लगी हुई थी, उन तवियों के ऊपर बहुत रोटियां एट ए टाइम पक रही थी। मुझे वहां बिठा दिया गया और मैं वहां काम रोटी बेल कर रही थी, लेकिन इतनी गर्मी और इतना पसीना और इतना ज्यादा वो सेक था कि मेरी बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन साईं राम ये कहती रही कि स्वामी पहले दिन ही आपने इतनी बड़ी परीक्षा मेरी ली, कोई बात नहीं, मैं भी डरने वाली नहीं। तो मैंने अपनी परीक्षा में पास हुई। दूसरे दिन मैं गई तो उन्होंने कहा कि तुम बेटे कल वहां बैठे थे, चलो आज आप इधर रूम में आ जाओ। जब रूम में मैं गई, देखा कि वहाँ सारा सेवा दल बैठ के काम कर रहा है, कोई पेड़े बना रहा है, कोई रोटी बेल रहा है, कोई उठा रहा है थालियों में डाल रहा है, कोई बाहर पहुंचा रहा है, इस तरीके से सारा सेवा दल कार्य कर रहा है। तो मुझे उसमें लगा दिया गया, मैं वहां पे वो कार्य करना शुरू हो गई। मुझे बड़ा अजीब लगा कि एक दिन में स्वामी उसका एक्सपीरियंस, आज ये दूसरा एक्सपीरियंस मुझे मिला। तो तीसरे दिन गई तो स्वामी ने मुझे कहा कि तुम आज जो है बर्तन धोने की जगह में आ जाओ। तो मैं बर्तन धोने लगी। बर्तन धोते धोते मेरे अंदर मन में आ रहा था, स्वामी आपके जल से मैं पवित्र हो रही हूँ, आपके जल से मैं ये जो बर्तन धो रही हूँ, पता नहीं कितने जन्मों का मेरे जो पाप है वो दूर हो गए। और मैं उस दिन ये इस तरीके का मैंने बर्तन धोने का कार्य किया। उसके बाद जितनी बारी भी पुट्टा पड़ती गई सेवा के अंदर, हर बारी नया काम, सिक्योरिटी का काम मिला वो भी किया, वहां पे मंदिर के अंदर काम मिला वहां पे भी किया। और जब एक बारी बाबा के घर के बाहर सुबह 4 बजे झाड़ू लगाने का कार्य मिला, वो तो बहुत ही आनंद आया कि भगवान का घर, भगवान अंदर और मैं उनके घर के बाहर झाड़ू लगा रही हूँ, इससे अच्छी मेरी किस्मत क्या हो सकती है, कुछ नहीं। तो सेवा में जाना, आप ये मत सोचो कि आपके जाए बिना वहां कुछ नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा नहीं। सेवा वो है जिससे आपके सारे पाप भी धुल जाएंगे और आपको मन के अंदर जो शांति प्राप्त होगी उसका कोई मुकाबला नहीं।
तो मैं यहाँ जितने भी साधक बैठे हैं, मैं उन सबसे यही कहूंगी कि आप जाके देखो तो सही कि क्या आनंद मिलेगा आपको वहां पुट्टपर्ती जाकर। उस आनंद को मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती। मैं तो बाबा से सिर्फ ये प्रार्थना कर सकती हूँ, हे बाबा, ये जितने साधक आपके दरबार में पुट्टपर्ती जाएं, वो वहां पे ऐसे रहे पुट्टपर्ती के अंदर साधक, जैसे हनुमत रहे राम के दरबार में। वो जिस तरह हनुमान जी ने राम जी के साथ सेवा करी थी राम जी की, उसी प्रकार हम पे भी आप इसी तरीके से अपना हाथ रखो कि हम भी वहां जब जाएं तो सेवा ऐसे ही करें, इसी प्रकार से सेवा करते रहे वहां पे। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, साईं बाबा हुए सहाय। हम सब के ऊपर बाबा का हाथ हो और हम सब हर साल पुट्टपर्ती जाएं और वहां पे सेवा करें। मेरी बाबा आपसे यही प्रार्थना है। ओम जय संग्राम।